ओम शांति। बाबा की साकार मुरली है। December 9, 2023। बाप दादा मधुबन। श्री बाबा के महावाक्य है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाबा कहते हैं, बाबा के साथ सच्चा स्नेह हो तो क्या हो सकता है, तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे। अपने साथ मतलब इक्वल बनाकर, अंत मते सो गति। सच्ची मोहब्बत होगी तो अंत में बाबा ही याद आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, पहला, बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे, पनिशमेंट या तो शिक्षा या तो सजाए नहीं भोगनी पड़ेगी। दूसरा, सब पापों से मुक्त कर देंगे। और तीसरा, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। त्रिमूर्ति बाबा इसलिए तीन तीन बातें सुनाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, सच्चा स्नेह हो तो साथ घर ले जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे, और तीसरा, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। प्रश्न है, अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? उत्तर है, खुशी में तभी रह सकते जब, पहला, अपने आप से रू रिहान करना आता हो, अपने आप से बाबा के से बातें करनी आती हो, दूसरा, किसी भी चीज में आसक्ति न हो। आसक्ति है तो बाबा कहते हैं माया भी आ सकती है। तीसरा, दो रोटी पेट को मिले बस, ऐसी अनासक्त वृत्ति की धारणा हो तब हर्षित रहेंगे। अगेन तीन बातें बाबा कहते, खुशी में रहना है, हर्षित रहना है तो रू रिहान करने आता हो, किसी भी चीज में आसक्ति ना हो, दो रोटी खा, दो पेट को दो रोटी चाहिए बस, वो मिला, खत्म, और क्या चाहिए? तो बाबा कहते हैं, तो सदा हर्षित रहेंगे। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। फिर से तीन बात। पहली बात, ज्ञान का मनन चिंतन करो, मनन मंथन और चिंतन। दूसरा, तुम कर्म योगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाप को याद करो। और तीसरा, स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत खुशी रहेगी। आगे तीन बातें, पीछे तीन बातें, टाइटल में तीन बातें। इस तीन बात में ज्ञान का मनन करो, कर्म योगी बनो और स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो खुशी रहेगी। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे और ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, यह है बच्चों की व आत्माओं की अपने परमपिता परमात्मा के साथ रूहानी मोहब्बत। यहाँ शरीर की कोई बात ही नहीं है, फिजिकल कोई बात नहीं, यहाँ जो बात है सब मेटाफिजिकल है, एकदम सूक्ष्म है, आत्मा और परमात्मा की। यह रूहानी मोहब्बत सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चों की ही होती है। ब्राह्मण ही बाप को जानते हैं, अपने को आत्मा समझते हैं, बाकी मनुष्यों को दुनिया में किसी को पता नहीं। बोलते हम आत्मा है मगर कोई अनुभव नहीं है, कोई रियलाइजेशन नहीं। तुम अपने को आत्मा निश्चय करते हो, परंतु जब कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा किसके साथ मोहब्बत रखे? दुनिया में क्या कहते हैं, आई एम गॉड यू आर गॉड, आत्मा सो परमात्मा, तो बाबा कहते किसके साथ मोहब्बत रखेंगे? मोहब्बत होती ही है बच्चों की बाप के साथ। बाप बाप की मोहब्बत नहीं होती है ना, अरे सब में बाप है तो खुद की क्या करेंगे? खुद के साथ खुद की मोहब्बत क्या करेंगे? अभी तुम समझते हो हम आत्मा ये अपने परमपिता परमात्मा के साथ मोहब्बत जोड़ रही है, याद कर रही है, याद करेंगे तो जुड़ेंगे ना, याद ही नहीं करेंगे तो कैसे जुड़ेंगे? और याद करने के लिए प्राइमरी कंडीशन है अपने देह को भूलो, क्योंकि देह याद आएगी तो सब डिफरेंशिएशन खड़े हो जाएंगे, सब दीवारें खड़ी हो जाएगी, लिमिटेशन खड़े हो जाएंगे, तो परमात्मा याद नहीं आ सकता है। इसलिए
बाबा कहते हैं आत्मा समझो, यह मोहब्बत ही तुमको साथ ले जाती है। उनके समान बनेंगे तो उनके साथ जाएंगे ना, वो जैसा है वैसा बनेंगे तो साथ चलेंगे ना। तुम रूहानी मोहब्बत बाप के साथ रखते हो तो तकलीफ भी सहन करनी पड़ती है। दुनिया आपसे मुंह मोड़ लेगी, काफ़ी बातें आई तो बाबा तकलीफ तो सहन करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा ना, कलंगी धर तो बनना पड़ेगा, कलंक लगेगा तो कुछ मिलेगा वरना कैसे मिलेगा। सहन नहीं करेंगे तो सहनशील कैसे बनेंगे। सारी दुनिया घर के भाती आदि सब दुश्मन बन जाते, घर के सगे संबंधी सारी दुनिया, क्योंकि पता है ना कि ये लोग पूरे के पूरे विरक्त हो जाते हैं। कई लोग तो क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी वाले पागल हैं कहेंगे लोग, तो इसमें क्या बड़ी बात है। उसने उसके मन में जो आया वो कहा, हमें क्या लेना देना। जिसकी जो ओपिनियन है वो अपने संस्कार से देखते हैं, दूसरी आत्मा को कैसे देखते हैं, अपने संस्कार से देखते हैं। खुद पागल है तो दूसरे भी पागल ही लगेंगे, पता ही नहीं है। इसलिए परमात्मा बाबा कहते हैं उनके साथ भी क्या रखो, रहम की भावना रखो, उनको पता नहीं है। इसलिए कहता है बच्चों को समझाया है क्या कि पतित पावनी गंगा नहीं है। मनुष्य पावन होने के ख्याल से गंगा व जमुना के तट पर हरिद्वार व काशी में जाकर बैठते हैं। गंगा व जमुना दोनों के तट, हरिद्वार व काशी, मुख्य स्थान यह दो है दुनिया के लिए। जो स्थूल बातें हैं वहाँ कोई सूक्ष्म बातों की बात ही नहीं, क्योंकि पहचान ही नहीं है। कहते हैं हे पतित पावनी गंगा, इसको कहते पानी को, अब वह गंगा तो सुनती ही नहीं। बुलाते हे पतित पावन आओ, तो गंगा का पानी कैसे सुनेगा। सुनने वाला एक पतित पावन बाप ही है, पानी थोड़ा सुन सकता है। पानी तो तत्व है जिसमें जान नहीं है, लाइफ नहीं है। अभी तुम उस बाप के सम्मुख बैठे हो, बाप बतला रहे हैं तुम पावन कैसे बनोगे ब्रह्मा के शरीर में आकर। वो बैठता है, बताता है, सब कुछ करता है, क्योंकि वो लाइफ है, लिविंग बीइंग है। गंगा लिविंग बीइंग नहीं है। पानी की गंगा थोड़ी कहती है कि मामे कम याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, वो तो बोल नहीं सकती है, तत्व है। तो बाप कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अगर तुम मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। क्या है प्रतिज्ञा करता है कौन, खुद भगवान कहता है, कोई मनुष्य नहीं कहता। ये तुम याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, कैसे होंगे। क्योंकि याद करेंगे तो क्या करेंगे, उनकी क्वालिटीज, उनके कर्तव्य, उनके बारे में सोचेंगे, उनके बारे में सोचेंगे तो कनेक्ट हो जाएंगे, तो उनकी पावर आएगी। पावर आएगी तो क्या होगा, योग अग्नि, तो ऑटोमेटिक विकर्म विनाश होंगे। नए तो नहीं होंगे मगर होंगे, वो भी विनाश हो जाएंगे। इतनी पावर आ जाएगी कुछ भी करेंगे, युधिष्ठिर युद्ध में भी स्थिर। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ दूसरी बार अगर तुम मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, गारंटी देते हैं। गंगा तो गारंटी दे न सके, वो तो लिविंग बीइंग नहीं है। जैसे मनुष्य रावण को वरस वरस जलाते आए हैं परंतु रावण मरता ही नहीं, मारते नहीं है, जलाते मतलब खाक कर देते, मगर तो अभी हर साल जिंदा हो जाते, हर साल जलाते रहते हैं। वैसे गंगा में स्नान भी जन्म जन्मांतर करते आए परंतु पति से पावन कोई बनते ही नहीं। साधु संत अपने को पावन समझते वो भी गंगा स्नान करते, इसका मतलब खुद पावन नहीं है, वरना उनको क्या जरूरत है। चलो गृहस्थियों के लिए बराबर है, क्योंकि गृहस्थियों को अपने से नीचा मानते हैं, वो लोग अपने को पावन समझते हैं। गृहस्थी को पता है वो पावन नहीं है, इसलिए पाँव पर बिठाते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई पावन बनते नहीं, और गंगा थोड़ी कहेगी। फिर स्नान करने जाते रहते, हर हर साल जाते, हर साल जलाते रावण को, वैसे हर साल स्नान करते हैं। एक बार पावन बने फिर तो क्यों जाते हैं स्नान करने, पावन बन गए फिर पाप होने की बात ही नहीं रही ना।
तो फिर क्यों जाते? कितने मेले लगते हैं हर साल, उनको कोई आत्मा परमात्मा का संगम नहीं कहेंगे। भक्ति मार्ग में भीड़ लगती है मेले पर, है ना, मेला झमेला। बाबा कहते बाहर कुछ भी हो, चाहे मेला हो चाहे झमेला, अंदर क्या हो, अंदर स्थिर रहना है। अभी तुम बाप के साथ बुद्धि योग लगाते, उसके साथ स्थैर्य के लिए बुद्धि योग। तुम जानते हो हम आत्माएं आशिक बनी है किसकी, उस माशुक की, परमात्मा की। आत्मा ही भगवान को याद करती है शरीर द्वारा, यदि शरीर नहीं होता तो याद की बात ही नहीं आती। परम धाम में परमात्मा को कोई याद नहीं करते क्योंकि वहाँ लाइफ नहीं। शरीर के साथ जब आत्मा होती है तभी ही आत्मा याद करती है, शरीर से परे हो जाती है, वहाँ याद करने की बात। बाप कहते मैं भी इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हमेशा बाबा को याद करते रहो, इस शरीर को नहीं। वरना बाबा कहते शरीर को याद कभी नहीं करना, ना मतलब मतलब निराकार परमात्मा को, ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करना है। बाबा कहने से स्वर्ग जरूर याद आएगा, क्यों, उनका वर्षा है, और अपना मुक्ति धाम घर भी याद आएगा। इसलिए कहते हैं ना, वर्षा मतलब मध्याजी बुआ, मुक्ति धाम मतलब मन मना बुआ। मुक्ति को निर्वाण धाम भी कहते, निर्वाण जहाँ वाणी नहीं है, ओ क्योंकि शरीर ही नहीं है, चाहे सूक्ष्म चाहे स्थूल एक भी शरीर नहीं, इसलिए मुक्ति को निर्वाण धाम भी कहते। पीस ऑफ अबोर्ड कहते हैं, निर्वाण धाम कहते हैं, परम धाम कहते हैं, निराकारी दुनिया कहते हैं, बहुत नाम रखे। तब कहते बात एक ही है, नाम अलग अलग है। यह है साकारी दुनिया, आकार है सबका, सेप है और एग्जिस्टेंस भी है, क्योंकि फिजिकल वाले। जब तक आत्मा ये यहाँ न आए तो साकारी दुनिया कैसे बढ़े? इसलिए पॉपुलेशन क्यों बढ़ता है? जो आत्माएं हैं वो पुनर्जन्म में आती, ऊपर से नई आत्माएं आती। आत्माएं निराकारी दुनिया से आती है, मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है, जिसका वर्णन है लेसन नंबर 5 कल्प वृक्ष या तो क्रिसमस ट्री में। कोई समझते हैं नेचुरल बढ़ती रहती है, तुम जानते हो आत्माएं यहाँ आती है वृद्धि को पाती रहती है। वो लोग नेचुरल को समझते हैं, वो ऐसा मानते हैं पानी का बुदबुदा अपने आप उत्पन्न होता है, पानी में से पानी में समा जाता है, मतलब नेचर मानते। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, ये कोई पानी 6th एलिमेंट नहीं है, 5th एलिमेंट में से नहीं। आत्मा आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसलिए उत्पन्न होने का या तो विनाश होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, वो तो हमेशा है। इसलिए वो अलग समझते हैं, बाबा आकर हमें सही बात समझाते हैं। इसलिए बाबा कहते तुम जानते हो आत्मा ये यहाँ आती है वृद्धि को पाती रहती है, और लोग जानते नहीं। बच्चों को मालूम हुआ है कि स्वीट होम शांति धाम है, पहले हमें भी पता नहीं था। शांति को बहुत लोग पसंद करते हैं, तुम जानते हो क्या, शांति धाम तो हमारा स्वीट गॉड फादरली होम है, हमारे पिता का घर है, हमारा भी घर, पिता का घर सो बच्चों का घर। भारतवासी विलायत से लौटते हैं, एग्जाम्पल देते हैं बाबा, तो कहते हैं हम अपने स्वीट होम भारत में जाते हैं। ये कोई फिजिकल होम की बाबा यहाँ बात नहीं करते। जहाँ जन्म लेते हैं वह देश प्यारा लगता है क्योंकि उस मिट्टी का शरीर बना हुआ है ना, तो अट्रैक्शन रहता है, थोड़ा अटैचमेंट रहता है। इसलिए कहते हैं ना, जननी जन्म भूमि च स्वर्ग अपि गरीयसी, कहते हैं अपने शास्त्रों में, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो बाबा कहते हैं देश प्यारा लगता है, कहते हैं हमको स्वीट होम भारत में ले चलो। अच्छा समझो मर जाते हैं, आत्मा तो चली गई, जो पार्ट प्ले करने वो तो चली गई, फिर शरीर को यहाँ ले आकर ख़त्म करते हैं, वहाँ जलाते हैं। समझते हैं भारत की मिट्टी भारत में ही जाए, क्यों करते हैं, भारत की मिट्टी भारत में ही जाए। नेहरू ने शरीर छोड़ा एग्जाम्पल, तो उनकी राख देखो कहाँ कहाँ ले गए, खेतों में गिराई। समझते हैं खेती अच्छी होगी, परंतु हर चीज़ को वह कितना भी मान दे पुरानी तो जरूर होनी है।
हर चीज सतो रजो तमो में आनी, कोई चारा ही नहीं, और फिर तमो से फिर से सतो बनना ही है, चाहे इच्छा हो नहीं हो, इट इज ए रूल ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर, या तो ड्रामा का अटल लॉ है, चलता नहीं। कितनी तकलीफ सहन करते हैं, बाप का पता नहीं है, तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा ले रहे हो, तो दिल होती है क्या मित्र संबंधियों आदि को भी स्वर्गवासी बनावे? किसको तुम कहो स्वर्गवासी बनो तो क्या कहेंगे सुनो? तो कहेंगे तुम मारना चाहते हो क्या? स्वर्गवासी बने मतलब मरना पड़ेगा यहाँ से। तुम बच्चे जानते हो श्रीमद पर हम श्रेष्ठ स्वर्गवासी बन रहे हैं, जाना भी स्वर्ग में हो और मरना भी नहीं, कैसे होगा? मगर बाबा जो कहते हो बात टोटल निराली है, न्यारी है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हैं, हम सब का अनुभव है नहीं? अभी तुम सम्मुख बैठे हो, सामने बैठे हो, ऐसा ही कॉन्शियसनेस रहे कि बाबा की मुरली सामने बैठ सुन रहे, किसी और की मुरली नहीं है। पढ़ने वाला कोई भी हो, बोलने वाला दादा हो, पहले कोई भी हो, उनसे कनेक्शन नहीं है, कॉन्शियसनेस हमें बदल दे। जानते हो क्या हम अपने परम पिता परमात्मा के पास आए? बाबा कहते आगे कब मिले थे? तो जट कहते हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले। पहले के जमाने में बाबा को मिलते थे, इवन अवेक बाबा को भी, तो बहने पढ़ा कर व्यस्त थी, बाबा पूछे तो कहना, वरना बाबा क्या कहते थे, फेल, ब्राह्मणी भी फेल सिखाने वाली, यह तुम्हारा गुप्त अक्षर और कोई कॉपी कर न सके। कभी मिले थे 5000 वर्ष पहले, कोई नहीं कह सकता। पल श्री कृष्ण का वेश धारण कर लेते हैं, बनाते हैं ना अपना ड्रेस वेश, कहते हैं हम आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने, परंतु यह बात कि 5000 वर्ष पहले भी स्वर्ग स्थापन किया था यह कह न सके। गीता में लिखा हुआ तो भी नहीं कह सकते कोई भी, कृष्ण का वेश धारण कर लेते। तुम तो कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले हम आपसे वर्षा लेने आए थे, आपने राजयोग सिखाया था। यह आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा, किसके शरीर द्वारा? अपना या तो ब्रह्मा के शरीर द्वारा, परमात्मा कहते। अपने को आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करना है, इसमें सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं। बाबा कहते याद में सर्वव्यापी की बात कहाँ आई? यह भी नहीं समझते है कि ब्रह्मा जरूर साकार में होना चाहिए, जिस द्वारा परमपिता परमात्मा सृष्टि रचते। पतित पावन बाप आकर सो देवी देवता पावन बनाते, बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग में मनुष्य चाहिए ने? मनुष्य के बिना परिवर्तन कैसे होगा? बाबा आकर तुम्हें स्वर्ग का द्वार बताते, तुम कोशिश करते हो क्या हम नर्कवासी को स्वर्गवासी बनाए, खुद भी बने दूसरों को भी बनाए, स्वार्थी भी नहीं बनना है। बाबा कहे बड़ा रहम दिल बनना है, कोई बड़े आदमी को सीधा कहो क्या तुम पतित नर्कवासी हो तो कितना बिगड़ पड़ेंगे, इसलिए किसी को सीधा नहीं कहना। बाबा कहे वो ठीक है, हम नहीं कह सकते, बाबा अथॉरिटी है। अभी तुम जानते हो हम नर्क से निकल स्वर्ग में जा रहे, बाबा भी बच्चों के आगे कहता है, सबके आगे नहीं बोलेगा, बाबा भी हमको सिखाने के लिए बाबा कहते ना कि बाबा कह रहे हैं नर्क से निकल स्वर्ग में जा रहे हैं, अभी हम संगमवासी है, पूरे स्वर्गवासी नहीं हुए, इसलिए जन्म भी कैसा है, शरीर से नहीं है, जन्म ज्ञान से है। हम आत्माएं अब जा रही है इस शरीर को छोड़ बाबा के साथ बाबा के घर, यह है तुम्हारी रूहानी यात्रा, ये शरीर की यात्रा नहीं है, रूह की आत्मा की यात्रा, बाबा की याद में रहना है। समझते हो ये शरीर जहाँ तक रहेगा वहाँ तक यात्रा चालू, कर्म भी तो करना है, पल खाओ पीओ खाना पकाओ। बाबा कहते कर्म छोड़ने की बात नहीं है क्योंकि कर्म योग है, जितना समय मिले बाप को जरूर याद करना है। दफ्तर में बैठते हो देखो फुर्सत है तो बाबा की याद में बैठ जाओ, बहुत कमाई है,
कहते कोई ना कोई तरीका निकालो बीच बीच में याद करने का, कोई ना कोई युक्ति निकालो, क्योंकि याद में ही कमाई है। ट्रेन में सफ़र करते हो उस समय तो कोई काम नहीं रहता है, बैठे हुए बाबा को याद करते रहो। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा परम धाम से हमको लेने के लिए आया है। अच्छा, शाम को घर का खाना आदि पकाते हो तो भी एक दो को याद दिलाओ क्या, आओ हम अपने बाप की याद में बैठे। पॉइंट भी एक दो को सुनाओ, क्योंकि याद करेंगे सिमरन करेंगे तो कनेक्शन होगा, तो याद बढ़ेगी, वरना याद कैसे बढ़ेगी। हम स्वदर्शन चक्रधारी है, बाबा कहते क्या कहते, तुम लाइट हाउस भी हो, रास्ता बतलाते हो। अपने तक सीमित नहीं रखना है, दूसरों को शेयर करना है, रास्ता दिखाना है। उठते बैठते चलते तुम लाइट हाउस हो, एक आंख में मुक्ति एक आंख में जीवन मुक्ति, दो आंख है, जिसको जो चाहिए वो ले ले, मुक्ति वाले मुक्ति ले, जीवन मुक्ति वाले जीवन मुक्ति ले, मगर हमारी आंख में दोनों दिखाई दे। स्वर्ग यहाँ था, इसी दुनिया पर था, यही धरा पर था, ऊपर नहीं था नीचे नहीं था, अभी नहीं है, अब तो नरक है। बाबा फिर से स्वर्ग स्थापन कर रहे, फिर से चक्र। बाप कहते हैं हम तुमको बहुत गुल गुल बनाते हैं, फूल बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं, फिर तुम जाकर महारानी पटरानी बनेंगे, खद्दर की रानी नहीं बनना। अभी खद्दर की रानी, गांधी जी ने खद्दर खादी सिखाया ना, खद्दर, वो रानी नहीं बनना। तुम्हें 16 कला संपन्न बनना है, न कि 14 कला। खद्दर की तो छोड़ो, मगर सिल्वर की भी नहीं, जो 14 कला। श्री कृष्ण 16 कला था, तुम बचिया कितने व्रत नियम आदि रखती थी, 7 रोज निर्जल रहती थी, निर्जला, कितनी मेहनत करती थी, है ना। ये निर्जला फास्टिंग भी होता है, नेचुरोपैथी वाले भी कराते और बहुत ही फायदेमंद होता है, परंतु श्री कृष्णपुरी में जा न सके, क्योंकि श्री कृष्णपुरी आ ही नहीं सकते, तो जाएंगे कैसे। जब तक बाबा न आए तब तक श्री कृष्णपुरी स्थापन हो नहीं सकती, और जब तक स्थापन न हो सके तब तक कैसे जाएंगे। अभी तुम कृष्णपुरी स्वर्ग में प्रैक्टिकल में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि स्थापना करने वाला आ गया है। श्री कृष्ण को द्वापर में ले जाने से स्वर्ग का किसको पता नहीं पड़ता है। वास्तव में 7 रोज का अर्थ क्या है सो तुम अभी जानते हो, दुनिया में जो सप्ताह कहते हैं अर्थ नहीं जानते, जो 7 दिन का कोर्स है वही है, सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है। बाकी निर्जल आदि की कोई बात नहीं, बाप कहते फिजिकल यहाँ कोई बात नहीं, भौतिकता की यहाँ कोई बात नहीं, पानी नहीं पीना निर्जल इसकी कोई बात नहीं। बाबा को याद करने से तुम बाबा के पास चले जाएंगे, बाप फिर स्वर्ग में भेज देंगे। व्रत नेम रख तुम कितने दिन भूखे मरते हो, भक्ति मार्ग वही तो किया, ताप जाप तपस्या क्या क्या नहीं किया, जन्म बाय जन्म कितनी मेहनत करते हो, प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई, इतनी मेहनत के बाद गिरते ही आए। अभी तुमको उनसे छुड़ाए सदगति का मार्ग, सदगति मार्ग में ले जाते, और वही लास्ट 2-3 बर्थ में ही इतने गिरे, बाकी इतना नहीं था। 30-40 साल पहले चले जाओ, आपको पता चलेगा क्या था। इसलिए बाबा कहते हैं छुड़ाए सदगति मार्ग में बाबा ले जा। तुम कहते हो बाबा कल्प पहले भी आपसे मिले थे स्वर्ग का वर्षा लेने, बाप कहते हैं कदम कदम पर राय लेते रहो, सब हिसाब किताब पूछो, बाबा राय देते रहेंगे, आज भी देते हैं संदेशियों के द्वारा, चिट्ठी लिखो जवाब दूसरे दिन मुरली में आ ही जाएगा, या तो बाबा किसी न किसी को निमित्त बना देगा हमारा जवाब देने के लिए। खाली हमारी बुद्धि जरा सतेज रखनी है, सतर्क रखनी है, जो हमें पता चले कि बाबा ने जवाब दे दिया।
भले तुम अपना धंधा दूरी आदि करते रहो, छोड़ने की भागने की बात, फिर भी बाबा राय देते रहेंगे। बाबा कहते हैं मैं आपका धंधा देखने नहीं आया हूँ, मगर तो भी राय देते रहेंगे। देखेंगे बहुत धंधे में घुस पड़े तो राय देंगे। सुनो, क्यों इतना माथा मारते हो? कितना समय तुम जिएंगे? पेट तो एक दो रोटी मांगता है। बाबा को बोलो बाबा छुड़ा दो, तो बाबा छुड़ा दे। हम छूट नहीं सकते, ब्रह्मा को भी छुड़ा दिया ना, वैसे ही हमको भी छुड़ा देता है। उनसे गरीब भी चलते तो साहूकार भी चलते हैं दो रोटी से, एक दो रोटी मांगता है। साहूकार लोग अच्छी रीति खाते हैं, फिर रोगी भी बनते हैं। जितना खाएंगे तो और मरेंगे, बाबा कहते और रोगी बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं क्या करना है, रोगी भी बनते हैं, हमें माप माप में चलना है हर चीज़ में। भील लोग देखो कितना मजबूत रहते हैं और खाते क्या है, कितना काम करते हैं ना, दो रोटी के सिवाय कुछ नहीं खाते, उनके पास कुछ नहीं होता, तो अभी मजबूत है ना। अपनी कुटिया में वह खुश रहते हैं, बंगला गाड़ी सब कुछ है, मगर खुशी नहीं है। बाबा कहते उनके पास कुछ नहीं है तो अभी खुश खुश है। इसलिए किसके ऊपर आधार है? हमारे मन के ऊपर, हमारे संकल्प के ऊपर आधार। खुशी बाहर से नहीं आती है। तो इस समय तुम्हें और सब आशाएं छोड़ देनी चाहिए। दो रोटी मिली, पेट भरा, बस बाप को याद करना है, मस्त रहना, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तुम हो रूहानी बच्चे, परमपिता परमात्मा मासुक के आशिक बने हो। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, और जिस जिसको याद करते हो उनसे जाए मिलेंगे, जैसा संकल्प वैसा पाना। कहीं चाहते हैं साक्षात्कार हो यह हो, कहीं चाहते हैं, बाबा कहते, बाबा कहते घर बैठे भी तुमको हो सकता है। हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर आधार है। शिव बाबा को याद करने से तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होगा, श्री कृष्ण पूरी देखेंगे। यहाँ तो बाबा तुमको वैकुंठ का मालिक बना दे, खाली देखने की बात नहीं है, सिर्फ साक्षात्कार की बात नहीं है। मेरे को याद करो क्योंकि मैं आया हूँ, क्यों, तुमको ले जाने के लिए। शिव बाबा को याद करना है, वही श्री कृष्ण का मालिक बनाने, श्री कृष्ण पूरी का मालिक बनाने वाला। श्री कृष्ण तो नहीं बनाएंगे कि वो खुद मालिक बनता है ना, दूसरों को कैसे बनाएगा। शिव बाबा को याद करने से तुमको वैकुंठ की बादशाही मिलती है। अब वह परम धाम से आया हुआ है, हमारे लिए तो आया है, जरूर आए हैं, तब तो मंदिर यादगार बना है ने? नहीं आता तो कौन याद करता। शिव का मंदिर है, शिव जयंती भी मनाते हैं ने, परंतु वह भारत में कैसे आते किसको भी पता नहीं, एक भी नहीं। बाबा श्री कृष्ण के तन में तो नहीं आते, श्री कृष्ण होता ही है सती में, वहाँ उनकी जरूरत ही नहीं है। शिव का बड़ा भारी मंदिर है, श्री कृष्ण का इतना बड़ा नहीं है। सुनो, सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा, सबसे रिचेस्ट, सबसे नंबर वन। श्री कृष्ण का मन, श्री कृष्ण के मंदिर में राधे कृष्ण को बहुत गहने दिखाते हैं, शिव के मंदिर में कभी गहने नहीं देंगे, देखेंगे। अब वह शिव बाबा तो बड़े महलों में रहता नहीं, शरीर ही नहीं रहता है। श्री कृष्ण बाबा कहते मैं महलों में रहता ही नहीं हूँ, परंतु सुनना बराबर, भक्ति मार्ग में कितना बड़ा आलीशान हीरे जवारों का मंदिर बनाया है। जिनको शिव बाबा द्वारा स्वर्ग का वर्षा मिला है, उन्होंने उनका मंदिर इतना ऊंच बनाया। किसने? दादा और मम्मा ने। यादगार के लिए कितना बड़ा मंदिर बनाया है, तो वह खुद कितने न साहूकार होंगे, वो कितने होंगे साहूकार। मंदिर बहुत अच्छा बना दे, बॉम्बे में बाबरी नाथ में शिव का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का माधव बाग में है। बाप कहते हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो भक्ति मार्ग में तुम कितना भारी मंदिर बनाते हो, और अभी देखो कैसे मैं झोपड़ी में बैठा हूँ। बाबा कभी भी नए मकान में नहीं रहे, मधुबन में भी तुम्हारा भी नाम भाला होना है। तुम जानते हो हमारा फिर मंदिर बनेगा, हमारे बाप शिव के बहुत मंदिर है, कमाल है ने,
जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया था वो कितने धनवान होंगे, क्योंकि सब तो नहीं लगाया होगा, 8-10% लगाया होगा। अभी तो कितना गुप्त हूँ, कोई को पता ही नहीं है। तुम जान गए हो फिर कैसे शिव बाबा का मंदिर बनाना पड़ेगा, भक्ति मार्ग में आएंगे। मम्मा बाबा सुनना, जो पहले नंबर में पूज्य बनते हैं, वैकुंठ के मालिक बनते हैं, फिर पहले पहले पुजारी बन मंदिर भी उनको ही बना। वही राजा विक्रमादित्य की आत्मा है, वही ब्रह्मा की आत्मा है, वही कृष्ण की आत्मा। तो दिल में कहेंगे ना, हम ही पुजारी बन मंदिर बनाएंगे। ऐसी ऐसी बातों में रमण करने से फिर पुरानी दुनिया भूल जाएगी। आपस में भी ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए तो तुमको बहुत खुशी रहेगी। अपने से रूह विहान करो, दूसरों से नहीं। हम क्या करते हैं, दूसरों से बात करके अपनी एनर्जी अपना समय गंवा देते। सुप्रीम रूह बैठ तुम्हारी रूह को रिझाते, इस ज्ञान से हर्षित बनाते हैं। तुम कहते हो हम कल्प बाद फिर से आए हैं, अनेक बार बाप से मिले हैं, वर्षा पाया है। ऐसे ऐसे आपस में बातें करनी चाहिए, यदि करनी है तो ये करो। फिर तुम कर्म योगी भी हो, पल कर्म में घर में खाना पीना पकाओ, खुशी रहेगी। तुम 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हमें भी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बन राज्य करेंगे, पुजारी से पूज्य बनेंगे, फिर महल आदि बनाएंगे। अपनी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते रहो। हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्कर कैसे लगाती है, इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम तीन लोगों को जानने वाले, तीनों लोगों को ज्ञान का नेत्र तुम्हारा खुला है। यह चक्र याद करने से तुमको बड़ी खुशी रहनी चाहिए, बाप को भी खुशी रहती है। दादा, अभी तुम सेवा में उपस्थित हो, तुम सेवाधारियों के मंदिर फिर बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। अभी मैं तुम बच्चों की सर्विस में आया हूँ, तुमको स्वर्ग का पूरा वर्षा देने आया हूँ। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वो देने आया है, मगर पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं मिलता। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे पहली पॉइंट, चलते फिरते लाइट हाउस बन, सभी को रास्ता बताना है। लाइट हाउस का काम है रास्ता बताना। सब आशाएं छोड़, एक बाप की याद में रहना है और बाप से राय लेते रहना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान की बातों में ही रमण करना है। यदि रमण करना ही है तो ज्ञान की बातों में अपने आप से बातें करनी, जितना हो सके उतनी। स्वदर्शन चक्र फिराते सदा हर्षित रहना है। आज का वरदान है योग की धूप में। धूप में क्या होता है, सूख जाता है ना सर, आंसुओं की टंकी को सुखाकर। बहुत ही आंसू बहाते हैं ना, तो आप कहते उसको सुखाओ, किसके किसमें, योग की धूप में। रोना प्रूफ बनने वाले, तो रोना आंसू बंद होना मतलब रोना प्रूफ। सुख स्वरूप भव तो सुख स्वरूप बन सकेंगे, मतलब खुद भी सुखी होंगे, दूसरों को भी सुखी बनाएंगे, दुखी नहीं बनाएंगे। बाबा समझाते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि फलाना दुख होता है इसलिए रोना आता है, लेकिन कह देते आप लेते क्यों, वो तो देते हैं दुख, आप क्यों लेते। बाबा का स्लोगन है, ना दुख दो ना दुख लो। उनका काम है देना, आप लो ही नहीं। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस। सोचना, रोना बंद, न आंखों का रोना न मन का रोना। खाली आंखों नहीं, मन से भी रोते नहीं, ये नहीं हो रहा है बाबा, क्या करूं कैसे करूं, ऐसा मन का रोना। जहाँ खुशी होगी वहाँ रोना नहीं होगा। खुशी व प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता, डिफरेंस है दोनों में। तो योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखा दो, विघ्नों को खेल समझो, तो सुख स्वरूप बन जाएंगे।
स्लोगन है, साक्षी रहकर पाठ बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। कब? इन्वॉल्व नहीं होंगे, साक्षी बनेंगे तब। अच्छा, ओम शांति।